आइए हम सुनते हैं इस देश की युवा पीढ़ी की अव्यवस्था के खिलाफ एक और चीख कमलेश के गीत के रूप में। चार पंक्तियों से इस देश की आम जनता की ओर से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ कमलेश, इजाजत। हम उनसे अपना क्रोध जता पूछ रहे हैं। वाह। हम उनसे अपना क्रोध जता पूछ रहे हैं, अब तक हुई है किससे खता पूछ रहे हैं। ना जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो, ना जाने कौन से महल में कैद पड़ी जो, हम उस स्वतंत्रता का पता पूछ रहे हैं। वाह वाह वाह। आजादी के 66 वर्ष के इतिहास की समीक्षा करता हूँ, आईना दिखाने की कोशिश करता हूँ जी। ऐसा मौसम है हम बोल सकते नहीं, वन विरोधी भी मुंह खोल सकते नहीं। हेल फिर से है शोषण का कोहरा रहा, जैसे इतिहास खुद को ही दोहरा रहा। पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज है, पृष्ठ जो खुल रहे सनसनी खेज है। तब थे गोरे तो अब काले अंग्रेज है, यानी फिर से गुलामी के घन छा गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए। पहला बंद रखता हूँ जी। सोच कर खुश हुए हम सवेरा हुआ, सोच कर खुश हुए हम सवेरा हुआ। किंतु फिर दिख रहा तम घनेरा हुआ, रोशनी झोंपड़ी से बड़ी दूर है। वह अंधेरों में जीने को मजबूर है, जिनके हाथों में सारे ही अधिकार है। सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार है, सूर्य के कत्ल के वे गुनहगार है। हद तो ये है वही रश्मि रथ पा गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, से चले थे वही आ गए। जिस समय हम चले मंजिलें दूर थी, किंतु उत्साह लहरें भी भरपूर थी। था भरोसा हमें लक्ष्य संधान का, गूंजता था जहां स्वर विजय गान का। किंतु कुछ पग चले कारवां रुक गया, शीश कल था तना आज है झुक गया। दृश्य यह देख कर हम तो शर्मा गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए, हम जहां से चले थे वहीं आ गए। अंतिम बंद रखता हूँ जी। हम गुलामी के बंधन में जकड़े रहे, दो सदी हमको अंग्रेज पकड़े रहे। देश जिनके हवाले थे वे कर गए, उनको जैसे ही मौका मिला चर गए। क्या बात है? उनको जैसे ही मौका मिला चर गए। देश को झूठे नारों ने कुछ खा लिया, धर्म के ठेकेदारों ने कुछ खा लिया। जो बचा भ्रष्ट नेता उसे खा गए। हम जहां से चले थे वहीं आ गए। क्या बात है? जहां से चले थे वहीं आ गए। इसी धरातल पर खड़े होकर के एक कविता और रखता हूँ। हाँ कमलेश। बिहार के इतिहास से एक पंक्ति उधार ली है जी, सुनाया। जुटे हैं भांति भांति के लोग, कर रहे मन चाहा उपभोग। कि जैसे जूठन थाली की, कि जैसे जूठन थाली की, संसद आज बना दी नगर वधु वैशाली की। देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। कैसे कैसे लोग वहां पर हैं, टिप्पणी करता हूँ।
कि जिनके प्रति आदर रखते, कि जिनके प्रति आदर रखते, उंगलियों पर हम गिन सकते, शेष जो हैं वे न्यारे हैं, कई उनमें हत्यारे हैं, जेब कट और मवाली हैं, कई 100% जाली हैं, अपहरण है जिनका धंधा, अपहरण है जिनका धंधा, धनी जो हुए माग चंदा, धनी जो हुए माग चंदा, है दोषी माल चुराने के, रहे दामाद है थाने के, कई तो ऐसे वहाँ हुजूर, सभ्यता से हैं कोसों दूर, बोलते भाषा गाली की, बोलते भाषा गाली की, संसद आज बना दी नगर वधु वैशाली की, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। और देश की सबसे बड़ी पंचायत पर टिप्पणी करता हूँ जी, भ्रमित है किंतु निरापद है, भ्रमित है किंतु निरापद है, अजायब घर सी संसद है, अजब कानून बनाती है, जमूरे चुनकर लाती है, जो स्पीकर कहलाता है, जो स्पीकर कहलाता है, कभी भी बोल न पाता है, किसी की कोई नहीं सुनता, देश यह देख शीश धुनता, देखता जब संसद दरबार, देखता जब संसद दरबार, हमें लगता मछली बाजार, हुई गरिमा बेमानी है, हुई गरिमा बेमानी है, शर्म खुद पानी पानी, क्या बात है, शर्म खुद पानी पानी है, देख उनका ऐसा व्यवहार, उठी संसद की हर दीवार, व्यर्थ देना है सही सलाह, क्योंकि अब है अनसुनी कराह, कि जैसे आम्रपाली की संसद आज बना दी नगर वधु वैशाली की, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। आदमी जब एक उंगली का इशारा दूसरे की ओर किया जाता है जी, तो तीन उंगली हमें हमारी ओर भी इशारा करती हैं जी। मैं आप सभी से उस अपराध की ओर संकेत करता हूँ, दागियों को चुनकर हर बार, पाप में हम भी भागीदार, बिल्कुल सही बात है, दागियों को चुनकर हर बार, पाप में हम भी भागीदार, वक्त जब निर्णायक आता, हमें हर कोई भरमाता, किसी को सिर्फ धर्म दिखता, कोई जाति के लिए बिकता, कोई बिकता अंगूरी में, कोई बिकता अंगूरी में, कोई बिकता मजबूरी में, कोई बिकता मजबूरी में, हुआ है लोकतंत्र बदहाल, घूमते हैं वोट के दलाल, क्या बात, दास्तां दलाली की संसद आज बना दी नगर वधु वैशाली की, देश शर्मिंदा है, देश शर्मिंदा है। बहुत बहुत बढ़िया कमलेश इस दर्ज के लिए। निश्चित तौर पर देशवासियों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारी आजादी को हम उन लोगों के हाथों में सौंप देते हैं जो शायद इसके लायक नहीं है, लेकिन आशा अभी बाकी है कमलेश, इतने निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं, हमें गर्व होना चाहिए कि आज भी इस देश के अंदर अहिंसा बाकी है, सच्चाई बाकी है, ईमानदारी बाकी है, प्यार बाकी है, विवेकानंद बनने की क्षमताएं बाकी है।